विश्व में कितने देश हैं? या फिर आपको पता है कि सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में है? भारत के साथ साथ ऐसा कौन सा देश है जहां पे 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में? तो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी फॉर यू में, और एक बार फिर से आई हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करने ऐसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और आपके लिए यूजफुल। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझ लीजिए सामान्य ज्ञान आपका एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपना सामान्य ज्ञान तो देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में है ऐसे क्वेश्चंस जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? जी हाँ, नेपाल ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और कहाँ मनाया जाता है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व में कुल कितने देश हैं? जी हाँ दोस्तों, विश्व में है 195 मतलब 195 देश। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है अल-मुलाविया यानी इराक में। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा देश है वर्ल्ड का जहां कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है? तो वो है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश है सऊदी अरब। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि है चाइना में। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। ऐसा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कौन से सन में हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 मतलब 1914 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी सन 1526 में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पुराणों की टोटल संख्या है 18। भारत में सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है अरावली। भारत की किस नदी का उपनाम भारत की दुखों की नदी है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, कोसी नदी को भारत की दुखों की नदी भी कहा जाता है। कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था? तो जी हाँ, हुमायूं ऐसा बादशाह है जो सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो मैं बता दूं, खरोष्ठी लिपि एक ऐसी लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आई होप दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को करिएगा लाइक। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नया अपडेट दूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक फिर नए अपडेट और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।